हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रेनू वशिष्ट एंड टुडे डेट 27 जून 2022। सो हमारी जो सीरीज़ चली आ रही थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। जहाँ कल हमने फिनिश किया था उसे नेक्स्ट वाला पोर्शन आज हम करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट होगा हमारा क्लोथ सेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपकी डेफिनेशंस, आपकी एग्जांपल्स, आपकी थ्योरम्स और आपकी एक्सरसाइज 1.2 आज वाली क्लास में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लोथ सेट की। आपने कल पढ़ा था कि ओपन सेट क्या होता है, और ओपन सेट से रिलेटेड आपने पढ़ी थी नेबरहुड क्या होती है। सबसे पहले तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट डिफाइन किया था, उसके बाद डेफिनेशन आई थी ओपन सेट की। तो सेम क्लोथ सेट की डेफिनेशन है। क्लोथ सेट की डेफिनेशन कहती है कि इफ़ ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, देन ए इज सेट टू बी ए क्लोथ सेट इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। सिंपल साफ साफ शब्दों में अगर हम इस पॉइंट को बोलें तो कहते हैं कि अगर एक सबसेट ए है और उस सबसेट को मुझे क्लोज बोलना है तो मुझे उस सबसेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन चाहिए। मतलब एक सेट ए क्लोज तभी होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो एग्जाम्पल अगर देखती हूँ तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आता है हमारा सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर को मुझे क्लोज बताना है तो मुझे रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, जो कि क्या आता है, एम्प्टी। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फाई इज एन ओपन सेट, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, आपका क्लोज सेट हो जाएगा। हर एक में आपको यही काम करना है। जैसे आपको ये वाला एग्जाम्पल है, फोर्थ वाला, द क्लोज्ड रे माइनस इन्फिनिटी टू ए इज अ क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट क्यों है, क्योंकि मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, और कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मुझे ये मिला कि अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू ए, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉइंट ए है, ये क्लोज है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी होगा, विच इज़ एन ओपन सेट, सो इम्प्लाइज दिस इज अ क्लोज्ड सेट। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं आपके, क्लोज इंटरवल यानी कि सेमी क्लोज, ओपन इंटरवल, कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे रखे। आपको क्या करना है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट को देखना है कि क्या वो ओपन सेट है, और अगर वो ओपन सेट है तो वो क्लोज सेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ओपन सेट नहीं है तो वो भी आपका क्लोज सेट नहीं होगा, ये पॉइंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाला, फिर यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स गिवन है, फाइनाइट सेट, ये क्या ये फाइनाइट सेट क्लोज सेट है, तो उसके लिए मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने देखा कि दिस इज ओपन 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 एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ऑलवेज ओपन, कल हम थ्योरम भी करके आए थे। फिर सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में होते हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सोन, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे देन यू विल गेट ओपन 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 एंड यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन इंटरवल इज अगेन एन ओपन, सो इम्प्लाइज सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर इज अ क्लोज सेट। ठीक है, सेम जैसे नेचुरल नंबर क्लोज है वैसे ही सेट ऑफ द इंटीजर भी क्लोज है। सेट ऑफ द रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। कल हमने किया था कि सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर दोनों ही ओपन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते हैं। तो आज हम करेंगे क्या ये क्लोज हैं, अगर ये ओपन नहीं है तो क्या ये क्लोज हैं, देखते हैं। सेट क्यू ऑफ द रेशनल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रेशनल का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल होगा, और इरेशनल ओपन नहीं होता है तो क्यू भी क्लोज नहीं होगा। तो क्यू जो सेट है आपका वो ना तो ओपन सेट है और ना ही वो क्लोज सेट है। सिमिलर आपका रेशनल इरेशनल नंबर भी ऐसे ही होगा, जैसे जो रेशनल नंबर प्ले रोल करेगा वो ही इरेशनल नंबर सेम पोजिशन को फॉलो करेगा, क्योंकि रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट रेशनल नंबर होता है, और दोनों ना तो ओपन होते हैं ना ही दोनों क्लोज होते हैं। अब बात आती है आर माइनस एन की। क्या आर माइनस एन का इंटीरियर कल मैंने निकाला था, कितना आया था, आर माइनस एन आया था, मतलब कि आर माइनस एन आपका ओपन सेट है ना, आर माइनस एन आपका ओपन सेट है, मुझे शो करना है क्या ये क्लोज सेट है, तो मुझे क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर R माइनस एन का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हो देन यू विल गेट नेचुरल नंबर, और क्या नेचुरल नंबर आपका ओपन है, नहीं, अगर ओपन नहीं है तो ये आपका क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमने कल बता दिया था कि ये हमारा सेट ओपन है। तो क्या होता है कि जो सेट रियल नंबर होता है R और जो सेट फाई होता है वो आपका क्लोज भी होता है ओपन भी होता है, सिमिलर फाई आपका क्लोज भी होता है ओपन भी होता है। इनके अलावा
कोई सेट अगर ओपन है तो वो क्लोज नहीं होगा, और अगर कोई सेट क्लोज है तो वो ओपन नहीं होगा। फिर आर माइनस आई क्या है, जहाँ पे आई आपका इरेशनल नंबर है, जहाँ पे आर माइनस आई करोगे तो रेशनल नंबर आएगा ना, और रेशनल तो ना तो क्लोज होता है ना ओपन होता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स गिवन है कि आर माइनस आई, आर माइनस क्यू, आर माइनस जेड। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और हमारा क्लोज सेट का टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा। सेट ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 2, 3 यूनियन 4, 5 इज नॉट ए क्लोज सेट। क्यों नहीं है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट में देखा कि ये तो सेमी क्लोज इंटरवल है, ये भी सेमी क्लोज, ये ओपन है, ये ओपन है, लेकिन हमने तो थ्योरम पढ़ी थी कि ओपन इंटरवल का यूनियन अगर हम करेंगे तो हमारा वो ओपन होगा, लेकिन अगर इसमें से कोई क्लोज है और उसका यूनियन हम ले रहे हैं तो वो ओपन नहीं होगा। रिमार्क में बोल रखे हैं कि फाइव एंड आर द टू सेट विच आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सेट। सिमिलरली जो सेमी क्लोज इंटरवल होंगे वो ना तो आपके ओपन होंगे ना ही क्लोज होंगे। ऊपर एग्जाम्पल में आपने देखा कि सेट ऑफ द रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर ऑल्सो टू सेट विच आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम करते हैं, सम थ्योरम ऑन द क्लोज्ड सेट के ऊपर, जो सबसे स्टार्टिंग की जो थ्योरम आती है। इससे पहले मैं आपका एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। कल हमने पढ़ा था ओपन सेट, और ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम की थी। वहाँ हमने किया था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन एन ओपन। ठीक है, क्लोज सेट में क्या हो जाएगा, उन सब का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स जैसे कि अब मैं यहाँ पे ओपन सेट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ओपन सेट का यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन होगा, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1, 2, n क्या था आपका, क्लोज था। ये आपका प्रीवियस रिजल्ट था, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे हमने ओपन सेट के बारे में पढ़ा था, अभी हम क्लोज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्लोज में आर्बिट्रेरी यूनियन की बजाय आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनाइट इंटरसेक्शन था, यहाँ पर फाइनाइट यूनियन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, 2, n, आई इज इक्वल टू 1, 2, n, ए आई इज अ क्लोज्ड सेट। यानी कि वहाँ पर जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, और जो इंटरसेक्शन था वो आपका यूनियन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर कल वाली थ्योरम आपको क्लियर है तो आज वाली थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। आपको एक करवा देती हूँ, बाकी की देखते हैं आगे। तो इट द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। बताया मैंने कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। अब लिया मैंने एफ लैम्डा, क्या लिया, क्लोज सेट लिया। तो मैंने क्या किया कि ये जो इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, इसको नाम दे दिया एफ। अब हर एक एफ लैम्डा क्लोज सेट है ना, अगर हर एक एफ लैम्डा क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। एंड हम ये थ्योरम करके आए हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि ये वाला क्या है, ओपन सेट है। अब डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या देखते हैं कि एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि एफ लैम्डा का कॉम्प्ली, जैसे लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स ना, यहाँ पे मैं लैम्डा को हटा के एफ वन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो ये कॉम्प्लीमेंट जब इसके ऊपर लगेगा तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ वन यूनियन एफ टू इस तरीके से, एंड अप टू सोन कहाँ तक, यूनियन एफ एन कॉम्प्लीमेंट। अब आर्बिट्रेरी की बात कर रहे हैं तो ये आगे भी प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ओपन। और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है तो वो सेट क्या होता है, क्लोज। डेफिनेशन करके आए हैं तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। सिमिलरली द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज्ड सेट। ये क्या कहता है, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट मैंने ले लिए एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ एन, एफ को मान लिया फाइनाइट यूनियन। अब एवरी वन इज क्लोज सेट, देन देयर कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट, एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। बताया था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये क्या हो गया, इनका इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी ओपन होगा। अब अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ, इसी सेम को मैं ये वाला लिख सकती हूँ,
यानी कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज सेट होगा, और क्लोज होगा तो यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड सेट। अब बात आती है वही सेम, जैसे हमने वहाँ पर काउंटर किया था कि अर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी, मतलब नीड नॉट बी एन ओपन सेट, तो यहाँ पर वो रिवर्स हो जाएगा क्या कि अर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी एन ओपन सेट। वहाँ पर एग्जाम्पल करके आए थे माइनस वन बाई एन वन बाई एन, जिनका इंटरसेक्शन जीरो आ जाता था विच इज़ नॉट ए ओपन सेट। यहाँ पर क्या करेंगे, द अर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी ए क्लोज सेट, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया एफ एन इज इक्वल टू वन बाई एन टू। अब देखो इस एग्जाम्पल को कैसे करते हैं, हमें क्या शो करना है कि अर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज सॉरी क्लोज्ड सेट नीड नॉट बी अ क्लोज्ड सेट। आपका कह रहे कि 1 बाय एन टू, यानी कि एफ वन की वैल्यू क्या है, क्लोज इंटरवल 1 2, फिर एफ टू की वैल्यू क्या होगी 1 बाय टू 2, मतलब अगर ये आपका 1 है ये आपका 2 है, एफ वन ये, अगर एफ वन यूनियन एफ टू निकालते हो तो 1 बाय टू यहाँ है, तो पहले तो ये इतना था, अब ये इतना हो गया, 1/3 आएगा तो ये और हो जाएगा, 1/4 आएगा तो और हो जाएगा, और करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, जीरो पर। लेकिन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू जीरो, बट जीरो हमारा ओपन रहेगा, मतलब ये जो सभी सेट का जब हम यूनियन करेंगे देन वी विल गेट ओपन इंटरवल जीरो क्लोज इंटरवल टू विच इज़ नॉट अ क्लोज्ड सेट। ये हमने ऑलरेडी बता दिया, ना तो ये क्लोज होता है ना ये ओपन होता है, तो यहाँ पर आपकी सभी थ्योरम फिनिश होती हैं। एग्जाम्पल आते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल कह रहे कि इज अर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी इफ नॉट शोन बाई एन एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सेम अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी माइनस वन बाई एन वन बाई एन की, अर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी एन ओपन। ओके, तो ये जो नेबरहुड पॉइंट बोल रहा है ये नेबरहुड आपकी रिलेटेड है ओपन सेट से, बिल्कुल सिमिलर वही एग्जाम्पल हमने लिया, उसका इंटरसेक्शन देखा जीरो। अब ये जो इंटरसेक्शन, ये तो एक सिंगलटन सेट है ना, तो सिंगलटन सेट है तो ये नेबर मतलब इंटरवल कैसे कंटेन होगा इसके अंदर, सो इंटरवल कंटेन नहीं होगा इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि ये इसकी नेबरहुड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देने हैं इसमें आपको, एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट बोल रहे हैं कि सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ओपन इंटरवल 2 3 दे दो, ये अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है। एक ऐसा सेट विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, सेट ऑफ नेचुरल दे दो, ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। एक सेट विच इज नॉट एन इंटरवल बट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब कि एक इंटरवल नहीं होना चाहिए लेकिन वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होना चाहिए, मतलब ओपन इंटरवल 1 2, यूनियन ओपन इंटरवल 3 4। इंटरवल तो है ही, लेकिन जब आप इनको ऐसे मिल, देखो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल की डेफिनेशन अगर मैं आपको खाली लिख के देती ना 1 2, तो ये इंटरवल था, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ कि इंटरवल यूनियन इंटरवल, तो यूनियन ऑफ इंटरवल नीड नॉट बी एन इंटरवल। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है बट ये एक इंटरवल नहीं है। फिर आता है कि सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एन पॉइंट्स, कैन दिस सेट बी एन इंटरवल, मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसे सेट का, एक ऐसे सेट का एग्जाम्पल दो जो कि अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो एक्सेप्ट एन पॉइंट्स, और क्या ये सेट इंटरवल हो सकता है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे कि 2 5 इंटरवल ले लो, यूनियन में 1 2 3 ले लो, तो ये इन्हीं इसी की नेबरहुड है बस। ठीक है, एक्सेप्ट 1 एक्सेप्ट 2 एक्सेप्ट 3, तो फाइनाइट नंबर को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो इन सब की एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं कि इच एवरी इनफाइनाइट सेट ओपन, क्या हर एक इनफाइनाइट सेट ओपन होता है, नहीं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है लेकिन ओपन नहीं होता। गिवन एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट टू डिस्टिंक्ट सेट ए एंड बी मे हैव सेम इंटीरियर। ऑफकोर्स येस, ये देखो एक को सेमी क्लोज ले लो, एक को इधर से ओपन कर लो और एक को इधर 2 से ओपन कर लो, तो दोनों का इंटीरियर क्या आएगा, ओपन इंटरवल 1 2, बट दे बोथ आर नॉट इक्वल ना, बिकॉज एक में 2 इंक्लूड है एक में 1 इंक्लूड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ए एंड बी बी नोन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर सच दैट ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन इज इट पॉसिबल कि ए का इंटीरियर बी का इंटीरियर के इक्वल हो, ऑफकोर्स येस, ओपन इंटरवल कंटेन इन ए क्लोज इंटरवल, ठीक है, और इसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर दोनों ओपन इंटरवल 1 2 आएंगे, सो इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट अ सबसेट ऑफ ए क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज. ऑफकोर्स यस, क्लोज इंटरवल के अंदर एक ओपन इंटरवल आ सकता है. तो ये क्लोज इंटरवल है लेकिन इसके अंदर एक ओपन इंटरवल आया ना, तो जरूरी नहीं है ना कि इसके अंदर जो भी आएगा वो क्लोज ही हो, क्योंकि 2, 3 तो हमारा ओपन इंटरवल है. सिमिलरली ए सेट कंटेनिंग ए क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज. तो एक ओपन इंटरवल 2, 5 लिया, उसके अंदर 3, 4 क्लोज इंटरवल आता है ना, तो क्लोज इंटरवल एक ओपन इंटरवल के अंदर आ सकता है. इसका मतलब है कि हमारा सेट 2 का भी एग्जाम्पल क्लियर है कि एक ऐसा सेट कंटेनिंग अ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं. गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का इंटीरियर. आप क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो, क्लोज इंटरवल 1, 2 क्लोज इंटरवल 2, 3 दोनों का इंटीरियर आपने निकाला, दोनों का यूनियन किया तो आपको मिला 1, 2 यूनियन 2, 3. इसका मतलब आप 2 इसके अंदर नहीं आता ना, लेकिन ए यूनियन बी अगर मैं देखूँ तो क्लोज इंटरवल 1, 3 है और इसका इंटीरियर ओपन इंटरवल 1, 3 है. इसके अंदर तो 2 नहीं है, इसके अंदर 2 है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन है, या मैं बोलूँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. नेक्स्ट वन, लेट ए एंड बी बी 2 सबसेट ऑफ आर. शो दैट ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज इक्वल टू ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर. कैसे, इसको प्रूव करते हैं. आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर कंटेन होता है, ए इंटरसेक्शन बी बी के अंदर कंटेन होता है. अगर मैं दोनों तरफ इंटीरियर अप्लाई कर दूँ तो वो इसके, क्योंकि ये हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर ए कंटेन इन बी देन ए का इंटीरियर ऑल्सो कंटेन इन बी का इंटीरियर. आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर भी मैं इसका आपको प्रूव करके दिखाऊंगी. ठीक है, तो अगर ए कंटेन है बी के अंदर तो ए इंटीरियर कंटेन होगा बी इंटीरियर के अंदर. अब देखो, ए इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर कंटेन ए इंटीरियर के अंदर एंड ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर कंटेन बी इंटीरियर के अंदर. ठीक है, अब ये दोनों ए इंटीरियर और बी इंटीरियर में है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है बी से, देन आई कैन से दैट ना एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. देन सेम वर्क आई डिड हेयर दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ऑल्सो कंटेन इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर. एक पॉइंट तो प्रूव हो गया. अगर हमें किसी को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको इसके अंदर दिखा दो, इसको इसके अंदर, यानी कि इसको इसका सबसेट, ए को बी का सबसेट दिखा दो, बी को ए का सबसेट दिखा दो. तो ए को बी का सबसेट तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, अब मुझे एक ही पार्ट प्रूव करना है. क्या, ये देखो, आपने इसको इसके अंदर कंटेन दिखाया है, अब आपने क्या शो करना है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ऑल्सो कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर. तो उसके लिए आपने क्या किया कि आपने एक पॉइंट उठाया यहाँ से एक पॉइंट उठाया आपने x बिलोंग्स टू a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर से. अब ये पॉइंट उठा रहे हो जब आप इससे, तो इसका मतलब ये इन दोनों के अंदर लाई करेगा, यानी कि x बिलोंग्स करेगा a नोड से, x बिलोंग करेगा b नोड से. इसका मतलब है कि इसका इंटीरियर पॉइंट है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है. अगर इंटीरियर पॉइंट है तो यहाँ से आप ये भी तो बोल सकते हो कि देखो, x बिलोंग्स टू a नॉट, x बिलोंग्स टू b नॉट, मतलब a इज़ द नेबरहुड ऑफ x, b इज़ ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ x. और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर x की कोई दो नेबरहुड है तो उनका इंटरसेक्शन भी उसकी नेबरहुड होगा. तो इसका मतलब है अगर वो ये दोनों इसकी नेबरहुड हैं तो इसका मतलब इसके इंटीरियर के सेट में ये x भी होगा. लेकिन x तो मैं कहाँ से लिया था, मैंने कहाँ से लिया था, a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर से. एंड आई फाउंड दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल इंटीरियर. सो इट इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, एंड हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव. अब आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहता है कि डिफाइन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स इज सिंगलटन सेट एक्स. नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है आपकी कि एक सेट ए को एक पॉइंट पी का नेबरहुड कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एक इंटरवल विच कंटेन पी सच दैट पर्टिकुलर इंटरवल कंटेन इन साइड ए, देन ए इज सेट टू बी द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी. This is the definition of the neighborhood of a point. Now show that the intersection of family of all neighborhood of a point X is singleton set X. अब इस पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे. आपको बोल रहा है कि there is a line X. This is the real line. This is the real number X.
इस एक्स की नेबरहुड। अब ये देखो नेबरहुड ये सभी होंगी ना, जो जो एक्स को कंटेन करेगा वो सभी एक्स की नेबरहुड होंगे। आप कह रहे हो ऑल नेबरहुड, ऑल नेबरहुड का मतलब है कि इस एक्स को जो ये वाली कंटेन करेगी ये भी तो इसकी नेबरहुड होगी ये वाली। और इसको क्या मैं ये नाम दे सकती हूँ कि एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं इस एप्सिलॉन को टेंड करवा दूँ जीरो पर तो ये वाला इंटरवल एक्स को टेंड कर जाएगा, दैट इज़ द सिंगलटन सेट एक्स। तो बस यहाँ पे यही पॉइंट बताना है कि शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स इज सिंगलटन सेट। अब आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल्स में डेफिनेशन बताई वैसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट वाला क्लियर है। सेकंड वाला कहते हैं कि शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। ये क्या कहता है ये देखो, ये क्वेश्चन हालांकि मैं करवा चुकी हूँ आपका, थ्योरम के अंदर आया था कि अगर ए आई आपकी नेबरहुड है या फिर हाँ जी ये आपकी नेबरहुड है किसी पॉइंट एक्स की, ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो भी नेबरहुड होगा एक्स की। लेकिन यहाँ पर फाइनाइट नंबर बोल रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑल नेबरहुड बोल रहा था। तो फाइनाइट नेबरहुड ये पॉइंट आपका एक्स है, ये इसकी नेबरहुड है, ये वाली ये फर्स्ट नेबरहुड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, छोटे से छोटा इंटरवल विच कंटेन एक्स। और अगर वो एक्स को कंटेन करता है तो वो भी तो नेबरहुड है ना एक्स की। एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब है कि एक्स आपके इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ये भी एक तरीके का सेट है, क्या इस सेट को मैं ए लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकती हूँ कि ये वाला सेट भी आपका नेबरहुड है एक्स की, ठीक है। तो आपको किसी सेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है नेबरहुड को बताने के लिए, इसको स्टेटमेंट देने के लिए इसकी, ठीक है। तो यानी कि अगर ओपन इंटरवल आप लिख रहे हो तो ये भी इसकी एक नेबरहुड ही है क्योंकि ये एक्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट दे रखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे कि कैन अ नेचुरल नंबर बी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ आर माइनस एन, बताइए। मैंने तो बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसी की भी नेबरहुड नहीं होता, तो ये आर माइनस एन की कैसे हो जाएगा, नहीं होएगा। कैन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि एक फाइनाइट सेट कभी भी एक इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता, और अगर वो इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता तो वो नेबरहुड कैसे होगा किसी पॉइंट की। अब जो जो बात नेचुरल के लिए अप्लाई होती है वही सेम हम इंटीजर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है आपके फिफ्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर ओपन गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सेट, अब ओपन सेट किसे कहते हैं, अगर एक सेट का इंटीरियर उस सेट के इक्वल है तो वो सेट आपका ओपन सेट होता है। थ्योरम भी की थी, डेफिनेशन भी की थी। सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर, इसका इंटीरियर आपका फाई होता है तो ये ओपन नहीं है। इंटीजर का भी इंटीरियर फाई होता है, ये भी ओपन नहीं है। सेट ऑफ द रेशनल नंबर का इंटीरियर भी आपका फाई होता है तो ये भी ओपन नहीं है। सेट ऑफ द इरेशनल नंबर का जो इंटीरियर होता है वो भी आपका फाई होता है तो ये भी आपका ओपन सेट नहीं है। तो ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बात आती है फिफ्थ वाले पर, ये आपका यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज अगेन एन ओपन इंटरवल। ये वाला इंटरवल आपका सेमी क्लोज इंटरवल है तो ये भी आपका ओपन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। सेवेंथ वाला माइनस वन बाई एन, ये ओपन इंटरवल है माइनस वन बाई एन से वन बाई एन, तो कुछ भी ले लो आप हमेशा एक इंटरवल रहेगा और ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब बात आती है, ये आपका नहीं था, द ओपन रे जीरो टू इन्फिनिटी। ऑफकोर्स येस इट इज़ एन ओपन इंटरवल बिकॉज दिस इज जीरो एंड दिस इज इन्फिनिटी, क्योंकि इसका इंटीरियर आप निकालोगे तो वो सेम जीरो टू इन्फिनिटी ही आएगा, और इंटीरियर ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, देन ए इज नोन एज द ओपन सेट। नाउ एग्जाम्पल नंबर सिक्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे तो आप इतने कैपेबल हो चुके हो अब कि हर एक का एग्जाम्पल दे सकते हो, बट फिर भी कुछ एक एग्जाम्पल हम करते हैं इस क्लास में, ठीक है, बाकी आपके होमवर्क के लिए होंगे। एन ओपन सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल, यानी कि एक ओपन सेट है बट वो एक इंटरवल नहीं है। एग्जाम्पल लगा लो आप 1, 2, यूनियन 3, 4, ये एक इंटरवल नहीं है लेकिन ये एक ओपन सेट है।
फिर जैसे मैंने ये करवाया एक सेट विच इज़ नाइदर एन इंटरवल नोर एन ओपन सेट। अब जो ना तो एक इंटरवल है ना ही ओपन सेट है, तो आप एक फाइनाइट ले लो, 1 2 ले लो आप, तो ये एक फाइनाइट सेट है जो कि ना तो ओपन सेट है ना ही ये एक इंटीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका एक सेट विच इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विद द एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक इंटरवल ले लो, क्लोज इंटरवल 1 2, क्लोज इंटरवल 1 2 नहीं, ओपन इंटरवल 1 2 ले लो और यूनियन में 3 कर दो, तो ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है एक्सेप्ट पॉइंट 3, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द क्लोज्ड सेट। अब क्लोज सेट कौन से होंगे, वो सेट सच दैट देयर कॉम्प्लीमेंट आर ओपन, ठीक है। ए सेट ए इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो जितने भी सेट आपको दे रखे हैं आपको क्या करना है, उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सेट जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, यानी कि आर में से जीरो को आपने हटा दिया। अब क्या ये आपका ओपन सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, ये भी आपकी ओपन है, ये भी आपका ओपन का यूनियन क्या होता है, ओपन होता है, तो ये आपका ओपन मतलब ये वाला सेट ओपन है ना, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वैसे ही सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर, आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो आपको मिलेगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपका ओपन है नहीं, तो ये भी आपका क्लोज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन कहते कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैन ए फाइनाइट सेट बी ओपन, यस एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट एंड इट इज एन ओपन सेट। कैन ए फाइनाइट सेट बी क्लोज, ऑफकोर्स यस, एग्जाम्पल 1 2, इसका कॉम्प्लीमेंट आप लेओगे तो वो क्या आएगा, ओपन आएगा, और ओपन आएगा तो ये क्लोज है, और ये क्लोज है तो ये फाइनाइट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कैन ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट बी ओपन, नो, क्योंकि एम्प्टी के अलावा कोई भी फाइनाइट सेट आपका ओपन सेट नहीं होता, इट्स अ रिजल्ट। इज एवरी इनफाइनाइट सेट ओपन, नो, एग्जांपल नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, ऑल आर इनफाइनाइट सेट बट दे आर नॉट ओपन सेट। इज एवरी इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड, नो, इट इज ऑल्सो नॉट, वाई, बिकॉज ओपन इंटरवल 0 2 इज एन इनफाइनाइट सेट बट इट इज नॉट क्लोज। कैन ए सिंगलटन सेट बी क्लोज्ड, यस, बल्कि सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज होता है, और जितने फाइनाइट सेट होते हैं वो भी आपके हमेशा क्लोज होते हैं। अब ये फिर कुछ क्वेश्चंस और गिवन हैं यहाँ पे कि शोड दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज नॉट ए क्लोज्ड सेट। बता चुकी हूँ सेट ऑफ रेशनल नंबर ना तो क्लोज होता है ना ही ओपन होता है। शो दैट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज़ ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। याद हो तो पीछे हमने एक थ्योरम की थी कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इफ एंड ओनली इफ के केस में। तो आपकी एग्जाम्पल, ये आपकी थ्योरम है बिल्कुल एज इट इज़, वही रिजल्ट है। शो दैट आर माइनस एन इज एन ओपन सेट, कैसे कह रहे हो कि आर माइनस एन इज एन ओपन सेट, इसको ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि आर माइनस एन का जो इंटीरियर आएगा वो आपका आर माइनस एन के इक्वल ही आएगा, और जब ऐसा होता है तो वो सेट हमारा क्या होता है, ओपन सेट होता है। शो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज्ड सेट, शो दैट, ऑफकोर्स यस, अभी बताया मैंने एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज्ड सेट बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज ऑलवेज अ क्लोज, बिल्कुल आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आपने एन नंबर्स के लिए रिजल्ट प्रूव किए हैं, ए वन ए टू ए एन के लिए, तो आप उस एन को टू पुट कर देंगे तो ए वन और ए टू के लिए रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज अ क्लोज्ड सेट, जैसे आपने एन के लिए प्रूव किया वैसे ही आप टू के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शो दैट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। तो बताया ना ये सारी थ्योरम्स हैं कि अगर ए वन ए टू ए एन आपका ओपन है, हाँ बस डिपेंड करेगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि यूनियन ओपन सेट वाले में आर्बिट्रेरी यूनियन ले सकते हो लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, और क्लोज्ड वाले सेट में आपको याद रखना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले सकते हो लेकिन यूनियन नहीं ले सकते, बस ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है हमारे 17th क्वेश्चन पे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में भी आ सकता है, इसको मार्क डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ ए इज अ क्लोज्ड सेट एंड बी इज एन ओपन सेट, बोल रहे कि ए आपका क्लोज्ड है
और बी आपका ओपन सेट है, ठीक है। बी माइनस ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, लिखते थे ना सेट थ्योरी में, ये आपका ए होता था, ये बी होता था, अगर बी माइनस ए बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ओनली ऑन ए, ओनली ऑन ये ए, ये वाला, अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है और बी माइनस ए बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओनली बी, यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, केवल ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला ओनली बी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बाई यूजिंग सेट थ्योरी। अब मुझे ये बताओ कि ए अगर आपका क्लोज्ड सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, और बी भी ओपन है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन, तो हैंस प्रूव द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज अगर बी आपका ओपन है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, और ए भी क्लोज है आपका तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए माइनस बी भी आपका क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन, राइट डाउन द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सबके इंटीरियर ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको जस्ट स्टार्ट करना है, जैसे कि नेचुरल नंबर का इंटीरियर 5 है, 3, 4, 5, 6 का इंटीरियर 5 है, 0 क्लोज इंटरवल 0, 1 का इंटीरियर हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0, 1 हो जाएगा, यूनियन ओपन इंटरवल 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी द टू सबसेट ऑफ आर, देन शो दैट इफ ए कंटेन इन बी देन ए इंटीरियर इज ऑल्सो कंटेन इन बी इंटीरियर, एंड ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन इन ए यूनियन बी का इंटीरियर। इन दोनों के प्रूफ मैं आपको करवा देती हूँ, बहुत ईजी प्रूफ है, ठीक है, ध्यान से समझना। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट एक्सरसाइज 1.2, आफ्टर दैट यूर एक्सरसाइज विल गोइंग टू बी द कम्प्लीट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द लिमिट पॉइंट एंड द पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन, दिस इज दैट इफ ए कंटेन इन बी देन यू हैव टू प्रूव दैट ए इंटीरियर कंटेन इन बी इंटीरियर। आपको क्या करना है, आपने उठाया एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए नोट, अगर वो ए नोट से बिलोंग करता है इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, देन आई कैन राइट एक्स माइनस एफ साइलन एक्स प्लस एफ साइलन कंटेन इन ए, ठीक है। अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट है तो ये इसकी नेबरहुड हो जाएगी, एंड ए इज कंटेन इन बी, सो अगर मैं इस वाले पोर्शन को अब यहाँ से हटा दूँ और इसको हटा के यहाँ लिख दूँ कि कंटेन इन बी, सो वट आई गेट फ्रॉम हेयर, आई गेट दैट बी इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी नोट, और ए एक्स कहाँ से लेकर के चले थे, ए नोट से लेकर के, और एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, दैट्स वाई ए इंटीरियर इज कंटेन इन बी इंटीरियर। इज दैट पॉइंट क्लियर, हैंस द रिजल्ट प्रूव। अब बात आती है नेक्स्ट वाला रिजल्ट आपका, कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन इन साइड। अब देखो, कैन यू नो दैट ए contain in A union B? Yes. Can you interpret that B contain in A union B? Yes. अगर मैं दोनों तरफ इंटीरियर अप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैंने इंटीरियर वाला रिजल्ट आपको प्रूव कर दिया कि A contain in B, then A interior contain in B interior, ठीक है। So from here अगर मैं A interior contain in A union B का interior, similarly B interior contain in A union B interior, from here if A interior contain inside this and B interior is also contain inside this, then their union will also contain inside this na, it means A interior union B interior will also contain in A union B ka interior, hence the result is going to be proved। तो यहाँ से आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है, सेकंड वाला भी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।